मानवता अभी इस देश में जिंदा है, लोग जिंदा हैं। मुरथल के सुखदेव ढाबा ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए अपने दरवाजे खोले और उन्हें मुफ्त भोजन कराया। किसान आंदोलन की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। अमरीक सुखदेव ढाबे ने मानवता के नाते प्रदर्शनकारी किसानों के लिए फ्री में खाने पीने का इंतजाम किया। पिछले दो दिन से इस ढाबे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। इस नेक काम के लिए ढाबे को खासी तारीफ मिल रही है और इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। यूथ कांग्रेस विंग के ट्विटर हैंडल से इस ढाबे का वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के साथ यूथ कांग्रेस ने लिखा है, ये मेरा भारत है, इसे सलाम। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मुरथल का अमरीक सुखदेव ढाबा किसानों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ढाबे के कर्मचारियों की भी तारीफ कर रहे हैं, जो लंबे जाम में फंसे और किसानों को मुफ्त में खाना खिला रहे थे। वहीं दूसरी ओर सुखदेव ढाबा के प्रबंधक का कहना है कि ढाबा 24 घंटे सभी के लिए खुला है, लेकिन किसी के लिए भी निःशुल्क खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी आए खाना खाए और बिल दे। किसान आंदोलन में हमारी ओर से कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही हमारी कोई भूमिका है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान किसान दिल्ली में प्रवेश के लिए हर तरह की जुगत लगा रहे थे। इसी क्रम में बीच बीच में किसान और पुलिस बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए आमादा किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। इस बीच किसानों के जत्थे के मेरठ से गाजियाबाद आने की भी सूचना है।